of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum friends, how are you? I hope you are fine and safe. This is your teacher, Ms. Naseem Kausar. Today I am going to teach is Urdu. Take out your Urdu book and open book page number. ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 8 ओपन करेंगे आप. पेज नंबर 8 पे हमारा हजरत न्यू लेसन है, हमारा हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी. इससे पहले हमने बुक वर्क किया था, हम्द और नात का वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है. अब हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी का न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे. चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं. अल्लाह ने दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसान भेजे जो लोगों को अच्छी बातें बताते और बुरे काम करने से मना करते थे. ऐसे इंसानों को नबी कहते हैं. अल्लाह की आखिरी किताब कुरान पाक में कुछ नबियों के नाम और इनकी कहानियां हैं. उनमें से एक कहानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की भी है. जी, क्या समझ में आया है इस क्लास से पैरा कि अल्लाह ने बहुत सारे नबी भेजे हैं. किस लिए आए वो नबी? हमें अच्छी बातें बताने के लिए और बुरे काम मना करने के लिए भेजे हैं अल्लाह ताला ने. और ऐसे इंसानों को क्या कहते हैं? नबी कहते हैं. और इस तरह बहुत से नबियों की कहानियां गुजरी हैं. उनमें से एक कहानी जो है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की है. तो आए आप कहानी पढ़ते हैं. हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे. वो लोगों को अच्छे काम करने और बुरे कामों से बचने के लिए कहते रहे. वो बहुत दिनों तक बल्कि बहुत सालों तक लोगों को समझाते रहे, लेकिन कुछ ही लोगों ने उनकी बातें सुनकर बुरे कामों को छोड़ा. बाकी तमाम लोग बुरे कामों में मसरूफ रहे. हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे और वो लोगों को अच्छे काम करने की बातें बताते और बुरे काम करने से रोकते थे. लेकिन वो काफ़ी साल तक लोगों को समझाते रहे, लेकिन कुछ ही लोगों ने उनकी बातों को सुना और कुछ लोगों ने नहीं सुना और वो कोई बुरे काम करते रहे. चलिए नेक्स्ट पेज पे आते. जब तक बहुत से सालों तक उनकी कोशिशें कामयाब ना हुई तो अल्लाह ने उन लोगों को सजा देने का फैसला किया. अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया. हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कोई सवाल किए बगैर जंगल में जाकर लकड़ियां काटनी शुरू कर दी. उनके साथियों ने उनकी मदद की. दूसरे लोग उनको काम करते देखते तो मजाक उड़ाते, ये तुम लोग कहाँ जाने के लिए कश्ती बना रहे हो? यहाँ तो दूर दूर तक कोई दरिया या समंदर नहीं है, ये कश्ती मिट्टी पर चलाओगे क्या? जब इतने सारे गुजर गए तो लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं सुनी तो अल्लाह ताला ने उन लोगों को सजा देने का फैसला किया. और उन्होंने क्या कहा अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कि आप एक कश्ती बनाएं. और इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बात सुनी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात सुनी और वो जंगल गए और वहां से उन्होंने लकड़ियां काटनी शुरू कर दी. और जब वो लकड़ियां काट रहे थे तो वहां के जो लोग थे वो उनका मजाक उड़ाने लगे कि तुम कश्ती कहाँ बना क्यों बना रहे हो? यहाँ तो ना कोई दरिया है ना समंदर, और ये कश्ती तुम क्या मिट्टी में चलाओगे? इस तरह की बातें करने लगे उनसे. चलिए नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं. हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी इन बातों का कोई जवाब ना देते और अपने काम में लगे रहते. कुछ दिनों में बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि तमाम जानवरों और परिंदों का एक एक जोड़ा खाने पीने का सामान कश्ती में रख लो. उन्होंने अल्लाह का हुक्म माना और वैसा ही किया जैसा अल्लाह ने हुक्म दिया था. तमाम जानवरों जैसे हिरन, हिरनी, गाय, बैल, घोड़ा, घोड़ी वगैरह को कश्ती में सवार कर लिया. फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब कश्ती में सवार हो जाओ. उन्होंने ऐसा ही किया. जो लोग देख रहे थे वो मजाक उड़ाने लगे, अरे इन सबको क्या हो गया है, ये क्यों कश्ती में बैठ रहे हैं? ना फरमान लोगों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी शामिल था. हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पहले भी समझाया था लेकिन वो ना माना. एक बार फिर उन्होंने उसे बुलाया मगर उसने कहा मेरी फिक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा. अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई और उसमें तमाम जानवरों और परिंदों का एक एक जोड़ा उसके अंदर उन्होंने बिठाया. कौन कौन था ये जानवरों में शामिल? हिरन हिरनी थे, गाय बैल थे और घोड़ा घोड़ी थे. और उन्होंने उनको कश्ती में सवार कर दिया. और लोग जो थे उनका मजाक उड़ाने लगे कि ये कश्ती में क्यों बिठा रहे हो जानवरों को, कहाँ जा रहे हो? और उन नाफरमान लोगों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी शामिल था. लेकिन आखिरी बार उन्होंने अपने बेटे को भी समझाया तो उनके बेटे ने उन्हें जवाब दिया कि आप मेरी फिक्र छोड़ दें और मुझे कुछ भी नहीं होगा. नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं. अचानक बादल आ गए और बहुत तेज बारिश होने लगी. थोड़ी देर में ऐसा लगा कि जैसे जमीन से भी पानी उबल रहा हो. चारों तरफ पानी ही पानी हो गया. लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे. कुछ दरख्तों पर चढ़ गए और कुछ मकानों की छतों पर. लेकिन इतना पानी हो गया कि दरख्त भी डूब गए और मकान भी.
यहाँ तक कि जिस पहाड़ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपनी जान बचाने के लिए चढ़ गया